तो भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि वो इस धरती पे अवतार क्यों लेते हैं। तो बहुत ही प्रसिद्ध ये श्लोक है, जैसे बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सिजाम्य हम। कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है उस समय मैं अवतार लेता हूँ क्या धर्म का परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाथाय संभवामी युगे युगे। कि साधुओं का परित्राण करने के लिए और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट होते हैं उनका विनाश करने के लिए। तो भगवान कृष्ण का ये जन्म भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए दिखता है कि जब भूमि पर इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि बहुत सारे असुर हो गए थे और वो सारे बहुत बड़ी बड़ी आर्मीज बना करके पूरे धरती पर उत्पात मचाए हुए थे, इतने सारे असुर थे। तो उस वक्त भूमि देवी एक गाय का स्वरूप बना करके ब्रह्मा जी के पास जाती हैं और ब्रह्मा जी से निवेदन करती हैं कि ये देखिए मेरे धरती पर ऐसी हालत हो गई है, आप कुछ करिए। तो गाय का स्वरूप क्यों बनाई भूदेवी ने? तो ये बहुत इंस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वैदिक सोसाइटी में गाय के लिए लोगों का बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर होता था, लोग गाय का बहुत सम्मान करते थे और गाय को कोई कष्ट ना हो इसका बहुत ध्यान रखते थे। इसलिए भूदेवी ने गाय का स्वरूप बनाया और ब्रह्मा जी से जाके निवेदन किया कि धरती पर इतने तरह की प्रॉब्लम है, आप कुछ करिए। और उनके आंखों में आंसू थे, ये देखकर के ब्रह्मा जी ने कहा कि वास्तव में सिचुएशन मेरे भी कंट्रोल से बाहर है, हमें जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। तो वो दोनों क्षीर सागर पर गए और वहां पर जाकर के भगवान विष्णु से प्रार्थना किया। तो भगवान विष्णु ने उन्हें बोला कि ठीक है, चिंता मत करिए, मैं अवतार लेकर के आऊंगा और धरती पर जितने जो दुराचारी व्यक्ति हैं उन सबका विनाश करूंगा। लेकिन वास्तव में भगवान के इस धरती पर आने का कारण ये नहीं होता। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि परित्राण आय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो ये कारण है, लेकिन ये बाहरी कारण है, मेन कारण नहीं है। क्योंकि अगर दुष्टों का विनाश करना है तो भगवान को खुद आने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुष्ट को अगर भगवान मारना चाहें तो पूरी प्रकृति उनके हाथ में है, बस उन्हें कुछ नहीं करना है, अंदर से बस एक तो नर्व को हिला देना है, बस वो अपने आप मर के गिर जाएगा वहीं पे, है ना। और धर्म का स्थापन करने के लिए भी वो अपने भक्तों को भेज सकते हैं जो धर्म का स्थापन कर सकते हैं, है ना। जैसे शिला प्रूपाद आए, उन्होंने पूरे धर्म का पूरी दुनिया में प्रचार किया। तो ये सारे कारण हैं जो भगवान करते हैं, लेकिन ये मेन कारण नहीं है। वास्तव में जो मेन कारण है भगवान के आने का, वो अपने भक्तों को खुशी देना। उनके भक्त हमेशा तत्पर रहते हैं कि भगवान आए, वो उनका संग चाहते हैं, उनका सेवा करना चाहते हैं और उनकी लीलाओं का आस्वादन करना चाहते हैं। तो इस कारण से भगवान आते हैं। जैसे हमने देखा था वो एडवर्टीजमेंट दिखाने के लिए, एडवर्टीजमेंट किन लोगों के लिए, जो भगवान की लीलाओं के बारे में नहीं जानते हैं, तो उनको एडवर्टाइज करने के लिए कि मेरी लीलाएं इतनी सुंदर होती हैं। एक ये इस कारण से आते हैं, जो कि ये उनके लिए है जो कि भक्त नहीं है, और जो ऑलरेडी भक्त हैं उनके लिए ये दिखाने के लिए उनको ये, क्योंकि वो हमेशा भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं कि आप आइए आइए ताकि हमें कोई सेवा करने का मौका मिले। तो उनकी खुशी के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर हैं, इतनी मधुर हैं कि
अगर वो अवतार ना ले तो फिर हमारे पास वो गाने के लिए रहेगा ही नहीं। उनकी किन लीलाओं का हम चर्चा करेंगे? भगवान अगर नहीं आए होते तो जन्माष्टमी त्योहार नहीं हुआ होता, कल बलराम जयंती था वो त्योहार नहीं हुआ होता। तो जब त्योहार ही नहीं होगा तो हम ये सारी लीलाएं ही नहीं होंगी तो त्योहार कहाँ से आएगा? और त्योहार ही नहीं है, लीलाएं ही नहीं है, तो हम कथा किस चीज का करेंगे? तो हमें इस कथा करने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए भगवान धरती पर आते हैं। तो ये मेन रीजन है। लेकिन बहुत बार हमें लगता है कि जब कृष्ण कथा राम कथा पहली बार तो बहुत अच्छी लगती है, दूसरी बार तीसरी बार अगर सुने तो अच्छा लगता है, लेकिन लगता है कि अभी तो मैं जान गया कि लीला क्या है, बार बार एक ही चीज को क्यों सुनना। लेकिन ये भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योगेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। कि मेरे जन्म और कर्म क्या है वो दिव्य है, उनको वास्तव में कोई समझ नहीं सकता। अगर समझ जाएगा एवं यो व्यक्ति तत्वता, जो सचमुच में समझ गया त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन, वो शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा। आप सोच रहे हैं सिर्फ आपको ज्यादा नहीं करना है, भगवान के जन्म और उनकी लीलाओं को, उनके रहस्य को अगर आप लोग समझ गए तो दोबारा वो जन्म नहीं लेगा। तो हम सुपरफिशियल दृष्टि से अगर देखें तो हमें लगता है कि अरे ऐसे ऐसे इवेंट्स हुए, ऐसे ऐसे भगवान ने ये किया, जन्म लिए, वृंदावन गए, राक्षसों को मारा, द्वारका में लीला किया, फिर वापस आ गए। लेकिन उनके पीछे बहुत गहरे मीनिंग्स होते हैं, बहुत रीजंस होते हैं। भगवान एक लीला से बहुत सारे पर्पस अचीव करते हैं। तो हम जितने गहरे में जाएंगे ये सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी और उतना ही ज़्यादा हम लीलाओं का आस्वादन कर पाएंगे। इस समय हम लीलाओं का आस्वादन क्यों नहीं कर पाते? करते हैं, लीलाएं किसे नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर भी जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित को दो ही लीला बार बार बोलते थे सुनाने के लिए, एक ध्रुव महाराज की लीला और प्रहलाद महाराज की लीला, और वही लीला वो 100 बार से ऊपर दिन भर सुनते रहते थे, और वही लीला ऐसा सुनते थे, इतना सुनते थे कि दोनों के आंखों से इतने आंसू निकलते थे यही दो लीला सुन करके कि पूरा भागवतम धुल गया था उनके आंसुओं से। अब आपको कितना भी इंटरेस्टिंग मूवी हो, एक दिन में 100 बार देखने को बोल दिया जाए तो आप बोलेंगे कुछ तो ज्यादा हो गया, कितनी भी अच्छी मूवी हो आपको पसंद नहीं आएगी वो। लेकिन भगवान की लीला दिव्य होती है, जिसे उस लीला का भेद पता है वो 100 बार सुने तो भी वो संतुष्ट नहीं होगा और सुनना चाहेगा। चैतन्य महाप्रभु पहली बार सुना गिराधर पंडित को बोलते थे कि दोबारा बोलिए, दूसरी बार सुना फिर बोलते थे फिर से बोलिए, इस तरह से करते करते कम से कम 100 बार दिन भर में वो सुनते थे, और दोनों के आंखों से इतने आंसू निकलते थे खुशी के उस लीला को बस सुन करके कि पूरी भागवतम के पन्ने धुल गए थे, उनमें से पढ़ना मुश्किल हो गया था। तो ऐसा आस्वादन शुद्ध भक्त कर पाते हैं, और वास्तव में जिसे लीला का मतलब पता है वो इस प्रकार से लीला सुनेगा। तो हम भी कृष्ण लीला पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अगर हमें कृष्ण लीला का मतलब पता चल जाए तो हमारे अभी डिस्कशन करते करते पता नहीं मेरे आंखों से भी इतना आंसू निकलना चाहिए और मैं भी आपके आंखों से भी इतना आंसू निकलना चाहिए कि मेरा लैपटॉप खराब हो जाए, आपका भी लैपटॉप स्मार्टफोन जो है सब आंसू से भर जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारे साथ अभी ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारे हृदय में अनर्थ है। वो अनर्थ जब चले जाएंगे तो हम वास्तव में आस्वादन कर पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके पहले हम डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम डिस्कस तो करेंगे, इन वास्तविक जो आस्वादन होता है जब हृदय के सारे अनर्थ चले जाते हैं। तो जैसा आप जानते होंगे कि हमारे हृदय में 6 अनर्थ हैं, क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, एनवी, इल्यूजन। ये जो 6 अनर्थ हैं इनके कारण हम लीलाओं का आस्वादन नहीं कर पाते। तो देखिए भगवान कृष्ण का जन्म बहुत ही एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, जिससे मैंने बताया कि बहुत सारे
लेसन्स वो दे रहे हैं। तो देखिए, भगवान कृष्ण के आने के पहले बलराम जी आए और उनके आने के पहले 6 पुत्र आए जो कि एक एक करके मारे गए। ये 6 पुत्र कौन है? वास्तव में हमारे आचार्य बताते हैं कि 6 पुत्र हमारे हृदय के 6 अनर्थ हैं। जब इन 6 अनर्थों का मृत्यु हुआ तब बलराम जी हृदय में प्रवेश किए और उसके बाद भगवान कृष्ण देवकी के, पहले वसुदेव के फिर देवकी के हृदय में ऐसे प्रवेश किए। तो इससे भगवान दिखाना चाहते हैं कि जब तक ये 6 अनर्थों की मृत्यु नहीं होगी तब तक भगवान कृष्ण और बलराम हमारे हृदय में प्रवेश नहीं करेंगे। तो इन 6 अनर्थों की मृत्यु होनी बहुत जरूरी है। और ये भी हमारे आचार्य बताते हैं कि ये 6 अनर्थ कैसे मारे गए? कर्म्स के द्वारा मारे गए। तो हमारे आचार्य बताते हैं यहाँ पे कर्म्स कौन है? कर्म्स है भौतिक दुनिया का भय। यानी अगर आपको भौतिक दुनिया का भय है तो आपके हृदय से सारे अनर्थ निकल जाएंगे। तो कर्म्स आचार्य बताते हैं वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है भौतिक दुनिया का भय, फियर ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। और उसके कारण जो 6 अनर्थ है, जैसे कम्स ने 6 पुत्रों को मारा, उसी उसके कारण सारे 6 अनर्थ मारे जाएंगे। यानी एक भक्त को हमेशा डर होना चाहिए किसका? भौतिक दुनिया का, कि माया बहुत ही प्रबल है, अगर भक्तों के संग में मैं नहीं रहा तो मैं अच्छे से भक्ति नहीं कर पाऊंगा। ये भक्त को ऐसा डर होना चाहिए। तो डर इन द सेंस कि हम बोलते हैं कि भक्त सबसे निर्भय होता है, तो वो होता है। जैसे भागवतम में वर्ष भी आता है, बोलते हैं नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपितुल्यार्थ दर्शनम। इसमें बताते हैं कि हाँ, कि नारायण परा, जो नारायण परा है यानी जो कि नारायण के भक्त हैं, वो निडर होते हैं। स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु, चाहे स्वर्ग में जाएं चाहे नरक में जाएं, अपितुल्यार्थ दर्शन, उनके लिए सब बराबर होता है, क्योंकि जहां जाएंगे भगवान की भक्ति करेंगे, कहीं पर उनको किसी भी तरह का भय नहीं है। स्वर्ग में भी भय नहीं है, नरक में भी भय नहीं है। लेकिन एक भक्त को ये भय होता है कि कहीं मैं कृष्ण को भूल ना जाऊं। ये सबसे बड़ा भय भक्त को होना चाहिए। ये एक हेल्दी फियर है कि लोगों को इसी बात का भय नहीं रहता, बाकी सब चीज का दुनिया में भय रहता। आपको बाकी कुछ और याद रहे चाहे ना याद रहे, आपको अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड याद रहे ना याद रहे, लैपटॉप का पासवर्ड याद रहे चाहे ना याद रहे, कृष्ण हमेशा याद रहने चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र हमेशा याद रहना चाहिए, क्योंकि भक्त ये सोचता है कि अगर मुझे याद नहीं रहा, भगवान के नामों का स्मरण नहीं रहा और उस क्षण मृत्यु हो गई तो मैं भगवत धाम नहीं जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा। तो इस बात का उसे भय रहता है, उसे मृत्यु का भय नहीं है, लेकिन मृत्यु के क्षण में भगवान को न याद कर पाने का भय है। इसलिए वो लगातार भक्ति करते रहता है कि किसी भी क्षण मृत्यु आ जाए तो भगवान को याद करते हुए मरेंगे। और इस क्षण तो और भी हम लाइव देख सकते हैं, जब कोरोना वायरस फैला हुआ है, किसी भी क्षण किसी को भी कुछ भी हो सकता है। तो कोरोना वायरस से मरने का हमें भय नहीं है, लेकिन कोरोना वायरस से भगवान को भूल करके मरने का हमें भय रहता है। तो ये भय जब हमें होता है तो हमारे हृदय के अनर्थ मारे जाते हैं। तो वास्तव में देखिए, ये प्री रिक्विजिट है कृष्ण कथा सुनने का। आगे हम अपनी कथा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कथा हमें आगे बढ़ने से पहले ये एक पहला भाव है जो हमें प्रिपेयर करना चाहिए कि मटेरियल वर्ल्ड का हमें फियर हमारे अंदर होना चाहिए कि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है। और उस वक्त अगर हम भगवान को याद नहीं कर रहे हैं, हम अभी रेडी नहीं हैं, तो हम भगवान के धाम वापस नहीं जाएंगे। वास्तव में सत्य है कि किसी भी समय हमारा मृत्यु हो सकती है। अभी यहाँ पर हम ऐसे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि जस्ट रिसेंटली हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। अरे किसी को उम्मीद नहीं था, और कितना फास्ट, एक महीना पहले की बस वो, मतलब एक महीने के रेंज में ही सारी चीजें हो गई। वो यहाँ से निकले, अमेरिका गए, वहाँ पे
थोड़ा सा तबीयत खराब हुआ, भक्तों को लगा कि ज्यादा कुछ नहीं है, रेस्ट करेंगे ठीक हो जाएंगे, फिर पता चला कोरोना है, कोरोना है, तो फिर गए, फिर हॉस्पिटल में एडमिट हुए, फिर लगा कि नहीं धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे हैं, फिर अचानक से हार्ट अटैक भी आ गया, फिर कंडीशन और क्रिटिकल हो गई और उन्होंने शरीर छोड़ दिया। और सारी चीजें इतना तेजी से हुई कि कुछ लोगों को विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि अरे अभी तो मुझसे बात किए थे महाराज, अभी वो धरती छोड़ के चले गए। तो महाराज तो पूरी तरह से कृष्ण भावना में थे, इसलिए उन्हें तो कोई भय नहीं, वो जहां पर भी गए वो कृष्ण के से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा सेम चीज हो सकता है। मैंने सुना था कि पटना में क्यों बहुत जगहों पर सुना था कि एक व्यक्ति था, उसकी जस्ट एक दिन पहले शादी हुई थी, अगले दिन पता चला कोरोना है और उसके अगले दिन खत्म हो गया। तो ऐसा ये भौतिक जगत है और हमें इस भौतिक जगत में डर होना चाहिए, मृत्यु का डर नहीं, भगवान कृष्ण को भूल करके मृत्यु का हमें डर होना चाहिए। तो कृष्णानंद प्रभु बहुत बार इस संबंध में अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि कैसे किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, ये भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए। तो एक भक्त आकर के कृष्णानंद प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु जी आप तो जो बाकी स्पीकर्स क्लास के एंड में एक लाइन बताते हैं कि हाँ कि भक्त की मृत्यु कभी भी हो सकती है, वो तो आप क्लास के बिगनिंग में ही बता देते हैं, जो कंक्लूजन आता रहता है आप क्लास के बिगनिंग में ही बता देते हैं, और बहुत बार क्लास के बीच में भी बताते हैं कि भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो जाएगी। तो कृष्णानंद प्रभु जी बोल लेते हैं हाँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है, तो मुझे पता नहीं कि जब तक मैं क्लास खत्म करूंगा तब तक मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, इसलिए मैं क्लास के शुरुआत में ही बता देता हूँ कि भाई याद रखो किसी भी क्षण मृत्यु हो सकती है। तो आप किसी भी उम्र के हो, सिर्फ बूढ़े लोग नहीं, 20 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 50 साल के हो, या किसी भी उम्र के हो, ये एक सत्य है कि किसी भी क्षण मृत्यु आ सकती है। और जब ये बात हमारे मन में रहेगी तो उस समय हम कृष्ण कथा को बहुत तत्परता से सुनेंगे, क्योंकि मरता क्या ना करता, ये कहावत है कि मरने वाला व्यक्ति क्या नहीं करेगा, है ना। तो जब आपको पता है कि मैं मरने वाला हूं तो आप बहुत ही इंटेंसिटी के साथ, ईगरनेस के साथ आप कृष्ण कथा सुनेंगे, फिर कृष्ण कथा के समय आपको नींद नहीं आएगी, कृष्ण कथा के समय लगेगा कि अरे बहुत थक गया, या फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत लंबी क्लास हो रही है, ये सारी फीलिंग्स नहीं आएंगी, बहुत ईगरनेस के साथ आप सुनेंगे। तो कथा सुनने का सबसे पहला प्रीरिक्विजिट ये है कि हमें ये हमेशा स्मरण रहना चाहिए कि किसी भी क्षण हमारी मृत्यु हो सकती है, और हमें उस मृत्यु के क्षण की तैयारी करनी चाहिए ताकि जब वो मृत्यु हो तो हम तैयार हों भगवान के धाम वापस जाने के लिए। तो चैतन्य लीला से एक बहुत ही अच्छा प्रसंग है इसके बारे में कि जगन्नाथपुरी में एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही बड़ा भक्त था, और उसके मुंह से लगातार भगवान कृष्ण का ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है वो निकलते रहता था। तो एक दिन सुबह सुबह वो खेत जा रहा था लोटा लेकर के, और उसके मुंह से लगातार हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे निकल रहा था, क्योंकि ऐसा भक्त था कि 2400 घंटे वो जप करते रहता था। लेकिन जब सुबह सुबह लोटा लेके खेत में जा रहा था तो किसी तरह अपने जीभ को रोकने का कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि अभी मैं थोड़ा गंदा कार्य करने जा रहा हूँ खेत में, इस समय कैसे मैं हरे कृष्ण महामंत्र करूं, क्योंकि भगवान को गंदी जगह पे कैसे लेके जाऊं। तो इसलिए वो अपने जीभ को किसी तरह पकड़ करके रोक रहा था, लेकिन उसकी जीभ रुकी नहीं रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र बोले जा रही थी, तो जीभ को बार बार पकड़ के हरे कृष्ण हरे राम, इस तरह से कुछ कुछ वो कर रहा था। तो एक छोटा सा बालक था जिसका नाम था गोपाल, वो ये सारा चीज देख रहा था कि ये व्यक्ति क्या कर रहा है, इसके मुंह से हरे कृष्ण महामंत्र निकल रहा है और ये जबरदस्ती रोकने का कोशिश कर रहा है। तो वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो बताता है कि अरे मैं खेत में जा रहा हूँ
अपने मॉर्निंग ड्यूटीज को फिनिश करने के लिए, और इस समय भगवान का जप करना तो अच्छा नहीं है इसलिए, लेकिन मेरे जिह्वा रुक ही नहीं रही है। तो देखिए इस तरह की प्रॉब्लम है, हमारा उल्टा प्रॉब्लम होता है कि हमारा चैंटिंग हो नहीं पाता पूरा, और इसका उल्टा प्रॉब्लम है कि चैंटिंग रोकना चाह रहा है, इसका चैंटिंग नहीं रुक रहा है ना। आप में से कितने लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है? ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो दैट्स द बेस्ट प्रॉब्लम, हम चाहते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ जाए, है कि नहीं, कि चैंटिंग रोकना चाहे तब भी ना रुके, जीव हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, कि हम बोल चाहें कि अभी हरे कृष्ण महामंत्र जप नहीं करेंगे, कि ऐसा होने लगे। आप अपने ऑफिस गए, बॉस आपको बुलाया, बॉस के सामने जाके हरे कृष्णा आपका चल रहा है, आप रोकना चाहते हैं कि अरे चुप रहो। या टीचर के पास गए, टीचर पढ़ा रहा है लेकिन अब क्लास में सर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस तरह की ये एक बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो ये हमारा जीवन मान लीजिए सफल हो गया। तो एनीवेज, तो ये व्यक्ति उस गोपाल नाम के बालक को बताता है कि अरे मैं अभी कैसे जप करूं, क्योंकि मैं अभी कुछ गंदे कार्य करने जा रहा हूं, इस समय भगवान को इस समय जप करना अच्छा नहीं। तो वो बोलता है कि मृत्यु तो किसी क्षण भी आ सकती है, और जब आप अपने सुबह के कार्यों को ये करने जा रहे हैं खेत में, उस समय भी मृत्यु आ सकती है। मान लीजिए आप उस समय मृत्यु को प्राप्त हो गए और आप उस समय जप नहीं कर रहे हैं, तो आप कहाँ जाएंगे वो पता नहीं। तो क्यों आप जप को रोकना चाह रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु ने तो हमें बताया है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रा पिता नियम न काला, कि अरे जप करने के कोई नियम नहीं है और कोई काल नहीं है, हमेशा जप करना चाहिए। तो जब गोपाल गुरु ने इस तरह से बताया तो वो व्यक्ति समझा कि हाँ बात तो ठीक बोल रहा है, तो उसने अपने जीव को छोड़ दिया और पूरे खुलेआम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो ये सारी घटना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए, चैतन्य महाप्रभु ने उस बालक को अपने गले से लगाया और उसे नाम दिया कि आज से तुम्हारा नाम रहेगा गोपाल नहीं गोपाल गुरु। तो हम नहीं नहीं गोपाल भट्ट नहीं, दूसरे गोपाल गुरु गोस्वामी वो दूसरे हैं। तो गोपाल गुरु गोस्वामी ने बहुत तरह के हमारे मतलब वैष्णव आचार्यों के बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं, तो वो गोपाल गुरु हैं। तो उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हुई, जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि इस छोटे से बालक को इतनी कम उम्र में हरि नाम पे इतनी श्रद्धा है, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपनी कृपा की उसके ऊपर। तो जब एक और चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे जिनका नाम था अभिराम ठाकुर, अभिराम ठाकुर को जब ये पता चला कि चैतन्य महाप्रभु ने इतनी बड़ी कृपा की है एक छोटे से बालक पे और उसे नाम दिया है गोपाल गुरु, तो वो सोचे कि मुझे जा करके इस बालक को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो गोपा ये अभिराम ठाकुर के दो स्पेशल क्वालिटीज थी, इसको मैंने पिछले बार एक बार और क्लास में बताया है, किसी को याद है क्या कि गोपाल गुरु की, अरे ये गोपाल गुरु ने अभिराम ठाकुर की क्या दो स्पेशल क्वालिटीज थी, कोई जानते हैं? दीपांकर प्रभु या अमित प्रभु, आप लोग को याद है अभिराम ठाकुर के दो स्पेशल क्वालिटीज क्या थी? बहुत ही ज्यादा स्पेशल क्वालिटीज थी, जानते हैं क्या आप लोग? नहीं प्रभु याद नहीं आ रहा। ओके दीपांकर प्रभु आपको याद है? तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है चलिए तो मैं बता देता हूँ। देखिए अभिराम ठाकुर के दो स्पेशल क्वालिटीज थे उनके पास, वो किसी को भी, उनके पास एक विप था, विप यानी इसको कोड़ा बोलते हैं, उस कोड़े का नाम था जय मंगला।
जय मंगला, हाँ विप मारने वाला, जैसे मारते हैं विप, तो वो था चाबुक, चाबुक जैसे बोलते हैं चाबुक। तो एक चाबुक था उनके पास जिसका नाम था जय मंगला, और उस चाबुक से वो जिसको मारते थे एक शॉट में उसे शुद्ध भक्त बना देते थे। क्या स्पेशल क्वालिटी है ना, हमारे पास भी वैसा चाबुक आ जाए तो हमारा प्रचार कितना तेजी से होगा, और बाहर निकलो सबको एक एक चाबुक मारो तो भक्ति नहीं, वो शुद्ध भक्त बन जाएगा, पूरा सात्विक विकार के लेवल पे पहुंच जाएगा। ऐसा उनके पास चाबुक था कि एक चाबुक मारो शुद्ध भक्त बन जाए, तो ये एक स्पेशल चाबुक था उनके पास, है ना, प्रीचिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। और दूसरा उनका क्वालिटी ये था कि वो अगर किसी को भी, किसी अगर पत्थर को वो अगर प्रणाम करते हैं और वो एक प्रॉपर शालिग्राम शिला नहीं है तो वो पत्थर वहीं पे फूट जाएगा, पाउडर बन जाएगा फूट करके। और अगर वो किसी व्यक्ति को दंडवत प्रणाम करते हैं और उस व्यक्ति के हृदय में थोड़े से भी अनर्थ बाकी हैं, पूरी तरह से शुद्ध नहीं है, एक एटम भी अगर मटेरियल डिजायर का बाकी है, तो वो व्यक्ति वहीं पे मर जाएगा तुरंत ऑन द स्पॉट। तो इसीलिए वो सबको दंडवत प्रणाम नहीं करते थे, अगर वो सबको दंडवत प्रणाम करते हुए फिरते हैं तो वो सीरियल किलर बन गए होते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं जा करके इससे दंडवत प्रणाम करूंगा, किसे, गोपाल गुरु को, क्योंकि उसे चेतन महाप्रभु की बहुत कृपा मिली है। तो जब ये खबर पहुंची जगन्नाथपुरी में कि अविराम ठाकुर आ रहे हैं गोपाल गुरु को दंडवत प्रणाम करने के लिए, तो माता पिता बहुत डर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अविराम ठाकुर के क्या गुण हैं, और वो सोच रहे थे कि अगर हमारा पुत्र पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ तो जैसे ही दंडवत प्रणाम करेंगे वैसे ही हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन अविराम ठाकुर आ रहे थे, वो महान वैष्णव थे, किसी ने रोका नहीं, तो अविराम ठाकुर फिर जगन्नाथपुरी आए और इस गोपाल गुरु नाम के बालक के पास गए। गोपाल गुरु ने जैसे ही अविराम ठाकुर को देखा वो दौड़ करके जा करके चैतन महापुर की गोद में जाके बैठ गया, और चैतन महापुर ने भी छोटे से बालक को अपने गोद में बैठा करके उसके चारों तरफ अपने हाथ रख दिए, और अविराम ठाकुर आए और उसे दंडवत प्रणाम किया और गोपाल गुरु को कुछ नहीं हुआ। तो ये देखने के बाद सभी को समझ में आ गया कि हाँ, गोपाल गुरु का हृदय पूरी तरह से शुद्ध है, क्योंकि उन्हें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त है, चैतन्य महाप्रभु खुद उन्हें अपने गोद में बैठाए हुए हैं। अब उसके अंदर कोई भी और मटेरियल डिजायर कैसे हो सकती है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी, है ना, जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमें भी चेतन महापुर का पूरा शरण लेना चाहिए, है ना। और क्यों चेतन महापुर ने इस छोटे से गोपाल बालक को ये गुरु बना दिया, सिर्फ एक कारण से, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था ये बात कि अरे भौतिक जगत में मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, किसी भी क्षण, आज अभी हो सकती है, कल हो सकती है, परसों हो सकती है। कितने लोग बूढ़े होके मरते हैं भाई, ज्यादा लोग नहीं बूढ़े होके मरते हैं, बहुत मैक्सिमम लोग का प्लेन पहले ही क्रैश हो जाता है। और भक्त को मृत्यु का डर नहीं है, लेकिन उसे किस बात का डर है कि मृत्यु के समय मैं भगवान को नहीं याद कर पाऊं। तो भौतिक जगत का ये जो डर है उसके कारण हमारे अनर्थ मारे जाते हैं। जैसे कि कंस ने छह पुत्रों को मारा, और जब ये छह अनर्थ, जो कि छह पुत्र सिग्निफाई करते हैं और कंस वही भौतिक जगत का डर को सिग्निफाई करता है, ये जब सब मारे जाते हैं तब भगवान बलराम जी का वहां पे आविर्भाव होता है और फिर भगवान कृष्ण का वहां पे आविर्भाव होता है। तो हमारे हृदय में भी ये डर होना चाहिए, ये डर अच्छा है, हम बहुत चीजों से डरते हैं लेकिन इस चीज से जिसे डरना चाहिए उससे हम नहीं डरते हैं। तो ये एक बेसिक प्री रिक्वायरमेंट है। अगर कभी भी आप ये ट्राई करिए, आप कोई भी क्लास सुन रहे हैं, कोई भी कथा सुन रहे हैं, तो उसके पहले इस बात पर मेडिटेट करिए
कि हो सकता है कि मेरी आखिरी कथा हो। इस बात पर मेडिटेट करिए कि कथा का ये जो लाइन मैं सुन रहा हूँ, ये हो सकता है मेरा आखिरी लाइन हो। अगले ही क्षण हो सकता है कि एक तो नर्व हिल गई अंदर की, मैं जिंदा नहीं बचूं। तो भौतिक जगत में भगवान बताते हैं पदम पदम यद भी पदम नतेशम, कि हर पद पे, हर कदम पे बहुत ही तरह के खतरे हैं। किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, लाइफ ठीक नहीं है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है। देवताओं का जीवन फिक्स रहता है कि उनका जो लाइफ स्पैन है वो उसके पहले मरते नहीं। कि मनुष्यों में तो ऐसे थोक भाव में लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं, मीडिया कुछ दिखाता है कुछ नहीं दिखाता, लेकिन हमारे आसपास हम देखते रहते हैं एक एक करके लोग गायब होते ही रहते हैं, और हमारा भी बारी आ जाया नहीं, कल आया, कभी भी आ सकता है। तो ये भाव से यार किसी भी क्षण मेरी मृत्यु हो सकती है, इस भाव से अगर हम कथा सुनते हैं तो देखिए कथा में आपको एक अलग तरह का इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि आपको पता है मैं मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूँ, तो बहुत ईगरनेस के साथ भगवान की शरण ले पाएंगे। जब के समय भी एक एक माला इस प्रकार से अगर आप करते हैं कि अरे हो सकता है ये मेरी आखिरी माला हो, या एक एक महामंत्र आप इस प्रकार से करते हैं कि हो सकता है कि ये महामंत्र मेरा आखिरी महामंत्र हो, और ये हो सकता है नहीं, ये वास्तव में हो सकता है। तो इसलिए इस प्रकार से अगर हम करते हैं कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, तो देखिए उसके अंदर इंटेंसिटी आएगी, उसके अंदर भाव आएगा। जब तक कि हमें प्रेम नहीं आ जाए, हम प्रेम भाव से भगवान का भक्ति नहीं कर पाए, तब तक कम से कम ये बात हमें याद रखनी चाहिए, ताकि हमें कथा सुनते समय या जब करते समय हम नींद नहीं आए। मान लीजिए आपको बता दिया जाए कि बस आपके पास 5 मिनट है, 5 मिनट में एक अपना आखिरी माला कर लो, उसके बाद मृत्यु होने वाली है, तो आप कितना भी थके रहेंगे उस 5 मिनट में आपको कभी नींद नहीं आएगी, है ना। तो ये बात अगर हम सोच करके अगर रोज उस प्रकार से जप करें और रोज उस प्रकार कथा सुने तो क्यों नींद आएगी। तो वास्तव में एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए कि एवरीडे जैसे नरोत्तम दास ठाकुर भाग रहे थे वृंदावन की तरफ, उसी तरह हमें भी रोज भागना चाहिए वृंदावन की तरफ अपनी पूरी शक्ति से, जितना जल्दी से जल्दी पहुंच सके वैसी तत्परता होनी चाहिए। तो उस भाव से हमारा रोज का दिनचर्या इस तरीके का होना चाहिए कि हम भाग रहे हैं पूरी शक्ति से वृंदावन की तरफ। तो आज का हमारा समय पूरा हो गया है, कल हम लोग आगे सुनेंगे कि ये जो 6 पुत्र थे देवकी के, इनके बारे में शास्त्रों में, भागवतम में और भी जगहों पे बहुत कथाएं हैं कि वास्तव में ये कौन थे, ये क्यों मारे गए, इनका उद्धार क्या हुआ। तो कृष्ण कथा जब हम डिस्कस करते हैं तो जनरली इन 6 पुत्रों के बारे में बहुत बार नहीं सुनते हैं, लेकिन आपको जानना चाहिए कि जो 6 पुत्र देवकी के मारे गए ये कौन थे, क्यों मारे गए और भविष्य में इनका क्या हुआ, ये भी एक बहुत ही इंस्ट्रक्टिव स्टोरी है जो कि हमें जरूर जानना चाहिए। तो ये सारे देवकी के 6 पुत्र जो मारे गए इनके बारे में हम कल सुनते हैं। आज के लिए हम अपनी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। तो आप लोग का बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। तो वो गाय वाला ब्राह्मण